दिल्ली में एक बार फिर सीएम केजरीवाल को निशाना बनाकर हमला किया गया। इस बार ये हमला मिर्च पाउडर से हुआ। सचिवालय में सीएम के चेंबर के ठीक सामने केजरीवाल पर मिर्च पाउडर फेंका गया। सीसीटीवी फुटेज में केजरीवाल पर मिर्च से हमला करते शख्स को देखा जा सकता है। जब केजरीवाल पर हमला हुआ उस वक्त वो अपने चेंबर से बाहर निकल रहे थे। हमले के दौरान मिर्च पाउडर उनकी आंखों में चला गया। जिस शख्स ने मिर्च पाउडर फेंका उसका नाम अनिल शर्मा बताया जा रहा है, जिसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी ने केजरीवाल पर मिर्च से हमले की कड़ी निंदा की। अभी अभी मुझे पता चला है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर किसी ने कुछ फेंका है, शायद वो मिर्ची, ऐसा बताया जा रहा है। और मैं इसकी भर्त्सना करना चाहता हूँ और इसकी बहुत उच्च स्तरीय हाईली कंडेम करना चाहता हूँ। इसको कहीं से भी इस तरह की हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए और न कहीं से भी ऐसी हरकत को कोई भी सही बता सकता है। मैं समझता हूँ जो व्यक्ति ने ऐसा किया है उससे पूछताछ होनी चाहिए, ये कौन है। और ऐसी सीएम के ऊपर इस प्रकार से कोई पाउडर फेंकना, मिर्ची फेंकना, ये बहुत ही दुखद है और भारतीय जनता पार्टी इसको कंडेम करती है। इस वक्त हम दिल्ली सचिवालय में मुख्यमंत्री के दफ्तर के ठीक बाहर मौजूद हैं, जहां पर सीएम ऑफिस ने यह आरोप लगाया है कि एक शख्स जो कि इस जगह पर बैठा हुआ था काफ़ी लंबे वक्त से, उसने मुख्यमंत्री पर लाल मिर्ची का पाउडर फेंका। ये देखिए, आप यहां पर गौर करेंगे तो आपको ये लाल मिर्ची यहां पर नज़र आ जाएगी। और यहां पर पुलिस का इंतज़ाम है वो काफ़ी ज़्यादा फिलहाल बढ़ा दिया गया। और जो पैकेट है आप देख पा रहे हैं, लाल मिर्च का ये पाउडर भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। और ये अपने आप में बेहद हैरान करने वाली बात है कि ये शख्स आखिर यहाँ पर ये पाउडर लेकर कैसे पहुँचा, क्योंकि ये जो आप पूरी जगह देख रहे हैं बी विंग है, ये यहाँ कुर्सियाँ रखी हुई है, यहाँ पर बैठा जाता है और साथ ही साथ जो लोग मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं वो यहाँ तक पहुँचते हैं। ये पूरा एरिया जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ये दफ्तर है। यहाँ से आप अंदर जा सकते हैं उनके कमरे में, ठीक सामने आप ये दरवाज़ा देख पा रहे हैं। और उसके बाद जब ये शख्स यहाँ से उठा उसके बाद यहाँ से मुख्यमंत्री आ रहे थे। दरअसल 2:10 के आसपास का वक्त हो रहा था, तब मुख्यमंत्री लंच करने के लिए जा रहे थे और ठीक उसी दौरान ये शख्स अचानक उठता है और उनके ऊपर लाल मिर्च का ये पाउडर फेंक देता है। फिलहाल आप यहाँ देखिए, मीडिया वालों की काफ़ी भीड़ है और साथ ही साथ यहाँ पर जो पुलिस का इंतज़ाम है उसे भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। जो जानकारी मिली है दिल्ली सरकार से उसके मुताबिक ये जो शख्स है इसे फिलहाल नज़दीकी पुलिस स्टेशन आईपी स्टेशन तक ले जाया गया है। वहाँ पर पुलिस उससे पूछताछ कर रही है क्यों उसने ऐसा किया, इन तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पर सवाल ही खड़ा होता है कि आखिर मुख्यमंत्री के दफ्तर तक लाल मिर्च का पाउडर लेकर वो शख्स क्यों पहुँचा और कैसे पहुँचा।